तो जैसा कि आप प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं, वहाँ पे गाय और भैंस को बांधा जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण काम है इस क्षेत्र में जो नहीं हुए, और कहीं से भी नहीं लगता कि इस यात्री प्रतीक्षालय का उपयोग यहाँ के लोग करते होंगे। लगभग 80% यात्री प्रतीक्षालय की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग किया गया है, सरकारी मशीनरी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है, पैसा उनको चंदे के रूप में मिला है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द खबरदार न्यूज में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार में गांव और गरीबों के लिए बहुत पैसा आता है, और उसका एक नमूना है यात्री प्रतीक्षालय, जिसमें जमकर देश का पैसा लुटाया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यात्री प्रतीक्षालय किसी भी तरह से आवश्यकता इसकी नहीं थी। इससे पहले जस्ट आधा किलोमीटर दूर भी एक यात्री प्रतीक्षालय इसी तरह का बना हुआ है, और उसमें भी गाय बैल बांधने के ही काम में आता है। तो जैसा कि आप प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं, वहाँ पे गाय और भैंस को बांधा जाता है, और कहीं से भी नहीं लगता कि इस यात्री प्रतीक्षालय का उपयोग यहाँ के लोग करते होंगे। उसकी सीधी सी वजह है कि यहाँ गांव में इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत इस तरह से व्यापक स्तर पे तो नहीं ही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसको भ्रष्टाचार के द्वारा पैसा निकालने के लिए ही यात्री प्रतीक्षालय बनवाया गया है। इस तरह की यात्री प्रतीक्षालय आपको त्योंथर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे, और अच्छे से दिखाई देगा। जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि लगभग 80% यात्री प्रतीक्षालय की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसको बनवाया गया है, ज़बरदस्ती बनवाया गया है। क्योंकि बन गया है तो लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं, अपने गायों को बैलों को उसके अंदर बांध के शेड के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि उनकी सरकार में करप्शन नहीं है, चार पैसा अगर जाता है तो चार पैसा गरीबों को मिलता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या यही करप्शन फ्री हिंदुस्तान की बात करते हैं मोदी जी? और किस तरह के इंजीनियर थे, किस तरह की सरकारी मशीनरी थी जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि ऐसी जगहों में यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाए? इसकी कोई जांच नहीं हुई। कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं इस क्षेत्र में जो नहीं हुए या जो होने चाहिए थे यात्री प्रतीक्षालय बनवाने से पहले, कहीं ना कहीं देखा जाए। और इसमें मैं स्थानीय नेताओं या विधायक की कमी नहीं मानता हूँ, उसकी वजह है कि व्यापक स्तर पर इस तरह के यात्री प्रतीक्षालय पूरे प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में बनाए गए। अब इसकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, ये चर्चा का विषय है और एनालिसिस का विषय है, पर ये तो निश्चित है कि इसका यात्री प्रतीक्षालय में जो धन खर्च किया गया है वो पूरी तरह से पैसे का दुरुपयोग किया गया है, सरकारी मशीनरी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। आपको भी अगर लगता है कि यात्री प्रतीक्षालय में धांधली हुई है, यात्री प्रतीक्षालय मतलब ये जो बनाया ही गया है, जो स्कीम लाई गई है कहीं ना कहीं पैसा कमाने के हिसाब से ही लाई गई थी, उसकी वजह यही है कि हर आधे किलोमीटर में एक किलोमीटर में यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, ऐसी जगहों में बनाए गए हैं जहां लोग कभी रुकते ही नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आती है, मेरी बात समझ में आती है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मेरा आकलन सही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि वाकई में वहाँ गाय यात्री प्रतीक्षालय में गाय बांधी जा रही है, गाय बंध रही है, भैंस बंध रही है, इसका एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन गाय या बैल वहाँ पे गाय या भैंस बंधती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मैं यानी विजय मिश्रा घूम रहा हूं गांवों में चुनावी कवरेज करने के लिए, जो हमारा लोकसभा चुनाव है। लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव है, इतना महत्वपूर्ण चुनाव जिसमें देश दुनिया के सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत के लोग किसको चुनेंगे, किस पार्टी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, किस पार्टी को सत्ता सौंपेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि
दुनिया के अन्य देशों में भारत के इस चुनाव की चर्चा ज्यादा है, भारत में ही नहीं है, एकदम शांति और सन्नाटा छाया हुआ है। और वहाँ दिल्ली में बैठे मोदी जी को भी लगता होगा कि उनकी पूरी टीम एकदम तैनात है, जबरदस्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो एकदम गलत है, एकदम शांति है। जो पैसा आ रहा होगा पार्टी से चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को खुद जांच करने की आवश्यकता है कि जो पैसा उनको चंदे के रूप में मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत काफी बातें चल रही हैं, और इतना पैसा मिला है तो क्या इस तरह से बर्बाद करने के लिए मिला है। ऑफकोर्स चुनाव में पैसा खर्च हो रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, और इसी तरह से मैं आपको जो मुझे दिखता है, जो समझ में आता है, आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।